Assalamualaikum dear student, standard first, SDMES boys English medium primary school, subject Grammarland. इसमें हमारा हमने 8th chapter adjective जो है वो पढ़ लिया है और इसके बारे में हमने जो explanation था वो समझ लिया है. हमें यहाँ पे question है कि adjective क्या है, किसे कहेंगे कि adjective और describing words है. Words that describe the quality of a person, animal, place और थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. वर्ड्स फॉर नंबर, कलर, साइज एंड शेप्स आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स. अब यहाँ पे जो है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ए, सेकेंड एक्सरसाइज जो है हमारी बी वो हो गई है. नाउ थर्ड एक्सरसाइज सी, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है वो मैं रीड करूँगी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो हमें फिल करना है. Read about Kermit the kangaroo. Kermit is a big kangaroo. It is a great kangaroo and has a long legs. कौन से कलर का है कंगारू? ग्रे कलर का एंड हैज़ अ लॉन्ग लेग्स. लेग्स तो है बट वो कैसे है? लॉन्ग है. यहाँ पर ये जो है लेग्स को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड लॉन्ग. कांगारू तो है, कांगारू बहुत सारे होते हैं बट यहाँ पे उसका कलर भी हमें मेंशन किया हुआ है ग्रे, यानी ग्रे जो है वो कांगारू का कलर डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए ग्रे भी है हमारा एडजेक्टिव. इट हैज़ अ स्मॉल पोज. यहाँ पे पो के बारे में बताया गया है पर वो कैसे है? स्मॉल, यानी स्मॉल जो है वो पो को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी स्मॉल वर्ड जो है वो भी हमारा है एडजेक्टिव. एंड टिनी ईयर्स, टाइनी ईयर्स के बारे में यहाँ पे बात है. ईयर्स तो है वो कैसे है? टाइनी. इट हैज़ अ थिक टेल. टेल तो है बट कैसी है? थिक. तो थिक जो है वो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है हमारा एडजेक्टिव. इट ईट्स ग्रास एंड द लीव्स ऑफ प्लांट्स. वो क्या खाता है? ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स. इट मूव्स बाय टेकिंग बिग जंप्स. वो कैसे मूव करता है? टेकिंग बिग जंप्स. जंप्स तो लेता है पर कैसे जंप्स करता है? बिग जंप्स करता है. अब यहाँ पहले हम क्या करते हैं, हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं. बिग, ग्रे, लॉन्ग, स्मॉल, टाइनी, थिक एंड बिग. ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन आंसर हमें लिखने में आसानी रहेगी. नाउ राइट वन वर्ड टू डिस्क्राइब दिस. हमें यहाँ पे वन वर्ड लिखना है जो इसे डिस्क्राइब कर सके. फर्स्ट हमें यहाँ पे फिल करके दिया हुआ है द कांगारूज लेग्स. तो कांगारूज के लेग्स कैसे हैं? लॉन्ग. तो यहाँ पे लॉन्ग लिखा हुआ है. सेकेंड, द कांगारूज पोज. कांगारू के पो कैसे हैं? स्मॉल. तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे? स्मॉल. नाउ थर्ड क्वेश्चन, द कांगारूज ईयर्स. कांगारू के ईयर कैसे है? टाइम. नाउ फोर्थ, द कांगारूज टेल. कांगारू की टेल कैसी है? थिक. THIC K, थिक. द कांगारूज जम्प. जम्प तो करता है पर वो कैसे जम्प करता है? हाउ? बिग. बिग जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है और ये है हमारा एडजेक्टिव. तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? एडजेक्टिव किसे कहते हैं? द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग दैट्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव. जैसे कि वर्ड यूज डिस्क्राइब अ क्वालिटी, कलर, साइज, सेप, नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव. तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी फिनिश हुआ. नाउ नेक्स्ट डी, लुक एट दिस पिक्चर्स, कलर देम एंड राइट द कलर ऑफ दिस थिंग्स इन द ब्लैंक्स बिलो. यहाँ पे मैंने कलर तो नहीं किया हुआ है बट आपको कलर करना है. जैसे कि एप्पल में रेड कलर करेंगे हम
शर्ट में ब्लू कलर करेंगे, कैरेट में ऑरेंज, कार पर्पल, सन येलो एंड लीव ग्रीन। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लैंक्स है, वहाँ हमें उसका कलर लिखना है। जैसे कि एप्पल में रेड है तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, रेड एप्पल। नाउ सेकंड थिंग इज शर्ट, तो शर्ट कौन सा कलर करना है हमें, ब्लू, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ब्लू। अदरवाइज आप जो कोई भी कलर करते हो तो आपको वही कलर यहाँ पे मेंशन करना है। थर्ड कैरेट, कैरेट में मैं ऑरेंज कलर करने वाली हूँ, आप लोग भी ऑरेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको उसका कलर लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑरेंज कैरेट। कैरेट तो है पर कौन से कलर का है, वो ऑरेंज। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, कार, कार में पर्पल कलर करने वाली हूँ, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, पर्पल, पर्पल कार। कार तो ये पर कौन से कलर की है, वो पर्पल। नाउ फिफ्थ सन, सन इज येलो, तो हमें यहाँ उसका कलर लिखना है, येलो जो है वो सन को सरप्राइज और डिस्क्राइब कर रहा है। सिक्स लीव, लीव के बारे में बात है यहाँ पे, लीव कौन से कलर की है, ग्रीन। ग्रीन लीव, ठीक है। तो ये यहाँ हमारे दो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज सी रीड अबाउट कार्मिन द कांगारू एंड सेकेंड इज डी। तो यहाँ पे हमारे दोनों क्वेश्चन फिनिश होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।